स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और अब तक हमने बात की पांच मूलांक तक की, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 मूलांक के क्या रहेगी 2022 में स्थिति। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आई बटन में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 होता है और आप शुक्र प्रधान होते हैं, या कहूँ शुक्र वीनस आपको रूल करता है। आप देखने वाले में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, आप बहुत ही सुंदर और अत्यंत ही आकर्षक दिखते हैं। और अगर आप की ड्रेसिंग सेंस की बात करूं तो आपका जो मंत्र होता है जीवन में वो अच्छा दिखना होता है। आप खाओ पियो और मस्त रहने वाले लोग जो हैं वो होते हैं। आपके अंदर दूसरों को अट्रैक्ट करने की शक्ति प्रायः सबसे ज़्यादा देखी जाती है। आप बहुत ही जल्दी इन्वायरमेंट में घुल जाते हैं और लोगों को अपना बना लेते हैं। मूलांक 6 बहुत मिलनसार वाला नंबर है और आपको सुंदर चीज़ों का बहुत शौक होता है, और आज के वर्ड में कहूँ तो आप सेक्सी लगते हैं, और आप अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करने में, जैसे मैंने बोला कि अट्रैक्ट कर सकते हैं आप। आपकी जो मैरिड लाइफ होती है और आपकी जो सेक्स लाइफ होती है वो काफ़ी बेहतर होती है और आपके जीवन में वो मिठास बनी रहती है। लेकिन अगर 6 नंबर है और उसको लग जाए, अगर वो प्लीज्ड नहीं है अपनी सेक्स लाइफ से, तो दिक्कतें जो हैं वो आती हैं और आप कई बार लोनली भी फील करते हैं। लेकिन पॉजिटिव पक्ष आपके केस में ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ दाम्पत्य जीवन, बट अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स के भी शिकार हो जाते हैं। आप नहाने में शायद उतना टाइम ना लगाते हो लेकिन सजने संवरने में बहुत टाइम लगाते हैं। कई बार दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं कुछ कामों को लेकर, जैसे रसोई के काम हो गए, आपके गाड़ी चलाने का काम हो गया कि तुम चला लो, या आपके पास 2-व्हीलर है और 4-व्हीलर दोनों हैं तो आप 2-व्हीलर को, क्योंकि आप कन्वीनियंट में रहना पसंद करते हैं तो आप जिसमें कन्वीनियंट होंगे उसको आप प्रेफर देंगे। यानी कि अगर 2-व्हीलर के साथ कन्वीनियंट है तो आप 2-व्हीलर चलाएंगे, 4-व्हीलर आपका खड़ा रहेगा। आर्थिक स्थिति में देखें तो थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, खर्चा काफ़ी करते हैं, और क्योंकि आप भोग विलास में खर्चा करते रहते हैं, एक चीज़ आपके पास ऑलरेडी है उसके बावजूद भी आप उसमें खर्चा करते हैं, जो कि मैं कहूँगा कि थोड़ा कंट्रोल करके रखें। शुगर की दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान से खाइए। हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएँ भी आपको देखने को मिलती हैं, तो ये स्थिति आपकी रहती है। अब बात कर लेते हैं 2022 आपका कैसा जाने वाला है। देखिए, साल बड़ा रोमांटिक रहेगा क्योंकि 6 नंबर ही है और आकर्षण का केंद्र आप बने रहेंगे, आपको विशेष किसी चीज़ से लगाव हो सकता है, आप पुरानी रूढ़िवादिताओं को तोड़कर आगे बढ़ेंगे, प्रेम संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें आप डूबे रहेंगे, अपने वंश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे दाम्पत्य जीवन में, और रिश्ते आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं। आपको अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल होने के पूरे पूरे चांसेस इस साल दिखाई दे रहे हैं, और पुरानी जो समस्याएं हैं उनसे आप निजात पा रहे हैं, दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर होने जा रहा है, घर को सजाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है। नौकरी में तरक्की हो सकती है इस साल, बशर्ते आप कोई जिद ना पकड़ें, क्योंकि कई बार देखा जाता है आपके केस में कि अगर आप एक चीज़ पर अटक गए तो आप अटक ही जाते हैं। अगर आप नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं तो आप बदलाव भी कर सकते हैं, अच्छी नौकरी लग सकती है, लेकिन मिडिल ऑफ द ईयर में थोड़ा सा बचे, चेंज करने से ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको लाभ अच्छा मिलेगा इस साल, आपको प्रमोशंस होते हुए दिखाई देंगे। व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनको रिसर्च इस बार ज़्यादा करना पड़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे थोड़े से इस साल, अड़चनें आ सकती हैं लेकिन आप अपने विवेक से उसको दूर करेंगे और अपने सजगता से, या कहूँ प्रोएक्टिवनेस से, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये साल काफ़ी बढ़िया है विद्यार्थियों के लिए भी, उनका जो फोकस है बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ शुरुआती ट्रेंड ऐसे हैं कि उसमें लगेगा कि थोड़ा सा भटक रहे हैं अपनी जगह से, तो ध्यान रखिए इस चीज़ के ऊपर। आर्थिक रूप से ये साल अच्छा रहेगा, बैलेंस करके चलेंगे आप खर्चे भी और अपनी आमदनी को भी, और अपनी आर्थिक प्रगति को आप थोड़ा सा और प्रोग्रेसिव बनाएंगे, कुछ नए रिसोर्सेज आप खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी जो, अगर आपने कुछ मकान वगैरह खरीदने का सोच रखा था इस साल, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। निवेश करते समय मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि निवेश जो है वो एक ऐसा चीज़ है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल भी, मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ज़्यादा जल्दबाजी ना करें किसी चीज़ में, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं।
तो आपका प्रेम का जीवन बहुत सुंदर हो रहा है, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर हो रहा है, नौकरी में आपको अच्छा इस साल मिल रहा है, और आपका जो व्यापार है उसमें अड़चने ज़रूर आएंगे आपको, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर शुक्र देवता का पूजन करते रहें, शुक्र संतोषी माता की आप शरण कर सकते हैं। वाइट कपड़े पहने शुक्रवार वाले दिन तो बहुत अच्छा रहेगा, या वाइट फूल उसकी डेकोरेशन कर लें घर में तो अच्छा रहेगा। सौम्य रहें, शांत रहें, और अपने आप को फोकस में रखें। इस साल सबसे बड़ा मंत्र आपका यही रहेगा। आने वाला साल आपके लिए शुभ हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप 9411848508 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पेड रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभ रहे।